डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक के लेक्चर्स में जो कुछ पढ़ा है उन्हीं के बेसिस पर एक कंप्रेंसिव प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 38 हम ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ने बुक्स परचेज कर ली है। फिर भी क्वेश्चन में अभी तो स्क्रीन पे रख रहा हूँ ये क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रखे वो उसी में से करते रहिएगा। सो आज हम नई चीज एक तो ये भी पढ़ेंगे साथ में कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ठीक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की प्रैक्टिस तो है ही, उसको तो हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में, साथ में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे दो बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। एक ओपनिंग बैलेंस शीट जिसमें लास्ट ईयर की असेट और लायबिलिटीज लिखी जाएगी, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी इस सेशन के एंड में बनने वाली बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे साथ में। ठीक है, तो आइए तो ये क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, इसमें देखें ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया है, इससे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट तीनों बन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश बुक की समरी, ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इसके कंसेप्ट समझे थे। तो अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कैश एंड बैंक का बैलेंस है, इसका मतलब ये हुआ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बुक की समरी है, इसका मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस जो हुआ वो कैश एंड बैंक का बैलेंस हुआ, है ना। अब रिसीप्ट साइड की फर्स्ट एंट्री ये बैलेंस बीडी, तो ये हुआ ईयर के बिगिनिंग का कैश एंड बैंक 2 लाख रुपीज। पेमेंट साइड की लास्ट एंट्री बैलेंस सीडी दिया हुआ है 1,80,000, तो ये हुआ ईयर एंड का कैश एंड बैंक का बैलेंस। सो बैलेंस बीडी जो दिया हुआ है ये ईयर बिगिनिंग का कैश एंड बैंक का बैलेंस है 2 लाख रुपीज, तो ये ओपनिंग असेट हुई, ये ओपनिंग असेट हुई, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट में इसको लिख देंगे। ये तो सबको ये मालूम है कि कैश एंड बैंक का बैलेंस असेट होती है। तो ईयर बिगिनिंग का बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख रुपीज, ये हमने 2 लाख रुपीज लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में। ऐसे ही जो एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था पेमेंट साइड के लास्ट एंट्री में, जो दिया लास्ट में लिखा था कैश एंड बैलेंस सीरी, ये कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, ये ईयर एंड में बनने वाली बैलेंस शीट यानी इस साल की बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, लिख दिया। अब अगली एंट्री देखते हैं, तो रिसीव्ड साइड में नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है, एंट्रेंस फीस। अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टाइटल क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019। ये मार्च 19 में जो सेशन एंड हो रहा है यानी जो अप्रैल 18 में स्टार्ट हुआ सेशन, ये उस सेशन की अकाउंटिंग है 18-19 की। तो मैंने ये समझाया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के डेटा आते हैं, सिर्फ करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जो बना रहे हैं वो 18-19 का बना रहे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ 18-19 का ही सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस यहाँ पे आएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिसीव साइड की सेकंड एंट्री दी हुई है एंट्रेंस फीस, दो दो दी हुई है, एक 17-18 यानी लास्ट ईयर की, तो एक 18-19 मतलब करंट ईयर की। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की इनकम आती है, 18-19 की इनकम 50,000 है वो आ जाएगी। तो इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस इस साल की फीस जो है वो लिख दी हमने। अब करंट ईयर की तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गई, लेकिन लास्ट ईयर की जो इंटरेस्ट फीस हमको इस साल मिली है ये कहाँ आएगी। तो लास्ट ईयर के अगर इस साल मिल रहे पैसे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, नहीं मिला था, ये लास्ट ईयर बैलेंस था, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखा गया होगा, है ना। तो ये इंट्रेंस फीस जो 10,000 इस साल मिले हैं ये लास्ट ईयर के हैं, लास्ट ईयर से कैरी होके आए हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो है ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ही है, लास्ट ईयर के एंड में बनने वाली बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर इंट्रेंस फीस के मिलने बाकी थे जो इस साल मिले, मिलने बाकी थे मतलब असेट थी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इंट्रेंस फीस के आउटस्टैंडिंग थे, मिलने थे, असेट हुई, असेट में लिख दिया, जो चीज मिलनी है वो असेट, जो देनी है वो लायबिलिटी, है ना। तो ये मिलना है इसलिए असेट में लिख दिया, तो एंट्रेंस फीस के दोनों अमाउंट्स की एंट्री हो गई। फिर सब्सक्रिप्शंस
ये भी पिछले क्वेश्चन हमें इसके बहुत डिटेल में लेक्चर्स ले चुके हैं। तो सब्सक्रिप्शन, इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है? 90,000 करंट ईयर की। तो जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन 90,000 है, इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की चीज़ें ही आती है, तो ये करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तीन तीन सब्सक्रिप्शन दिए हुए, तीनों के बारे में समझने वाले हम लोग कि कौन सा कहाँ पे आएगा। तो पहले करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन 90,000 है, वो हमने इनकम में लिख दिया। अब ब्रेकेट में लिखा है कि 90% मिला है, सब्सक्रिप्शन 90% है, 90% मिला है, इसका मतलब क्या? 10% और मिलना है, 10% बाकी है। हमें 90% सब्सक्रिप्शन मिल चुका है जो 90,000 है, तो जो 10% और मिलना है इसका मतलब ये हुआ, वो इसमें ऐड कर देंगे। जो और मिलना है वो भी इसी साल की इनकम है, इसलिए उसको ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो कितना? 90,000 90% है, तो 10% कितना? तो 90,000 को 90 से डिवाइड करेंगे, 1% आएगा, उसमें इंटू 10 करेंगे तो 10% आ जाएगा। रिपीट, 90,000 90% है, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा, फिर इंटू 10 करेंगे तो 10% आ जाएगा। तो ऐसे करके हम 10% कैलकुलेट करेंगे, 90,000 इंटू 10 अपॉन 90, तो 10,000 रुपये ये आया, ये 10,000 रुपये और मिलना है। टोटल सब्सक्रिप्शन की इनकम हो गई हमारी 1,00,000 रुपया, ये हमने इनकम में लिख दिया। जो 10,000 मिलना बाकी जो हमने ऐड किया, इसका सेकंड एस्पेक्ट भी है, मिलना है तो ये असेट है, और ये इस साल का अमाउंट है जो अगले साल कैरी करेंगे, अगले साल मिलेगा, यानी इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग रहेगा, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। इस साल का है ना, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज मिलना है इस साल के एंड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया, मिलना है इसलिए असेट या असेट में आ गया। उसके बाद अब सब क्वेश्चन में तीन पॉइंट हमने कहा था, तीनों एक एक करके समझेंगे। तो हमें जैसे लास्ट ईयर का एंट्रेंस फीस इस साल मिला था, ऐसे सब्सक्रिप्शन भी लास्ट ईयर का इस साल मिला है। 17-18 का सब्सक्रिप्शन 10,000 इस साल हमको मिला है, तो ये लास्ट ईयर से कैरी होके आया है, लास्ट ईयर के आइटम है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर के लिए क्या बना रहे हैं हम? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब जो लास्ट ईयर से इस साल कैरी होके आई है, जो लास्ट ईयर में एंड में बनी थी, इस साल के बिगिनिंग में बनी थी जो। तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है, मतलब लास्ट ईयर बाकी था मिलना, मिलना बाकी था, तो असेट हुई, तो असेट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जैसे एंट्रेंस फीस के मिलने बाकी थे, वैसे ही सब्सक्रिप्शन के भी मिलने बाकी थे, कोइंसिडेंट दोनों का अमाउंट सेम है 10,000 रुपीज, तो लास्ट ईयर का था इसमें आ गया। अब एक और सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1920 का सब्सक्रिप्शन, यानी 1920 मतलब अगला साल, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए 5,000 रुपीस हमको एडवांस में मिले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हमको एडवांस में मिले हैं तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब जो इस साल के एंड में बन रही है, क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब जो इस साल से नेक्स्ट ईयर कैरी होगी, ठीक। तो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला है, तो जो एडवांस मिला है वो लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शंस। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए हमको एडवांस? 5,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया, ठीक। अब अगली एंट्री देखते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है हमको, तो ये भी इनकम है हमारी, पर ये रिकरिंग नेचर की नहीं होती है। तो ये जितनी भी इनकम्स है ना, ये सारी इनकम जाके कैपिटल में ऐड होनी है, ये सारे एक्सपेंस वहाँ जाके माइनस होने, पर ये सारे एक्सपेंस, सारी इनकम एक एक नहीं जाएगी कैपिटल में, इन सब का नेट निकल के अमाउंट जाए कैपिटल में ऐड होगा, है ना। वापस आते हैं इंट्रेंस फीस पर, लाइफ मेंबरशिप फीस पर। लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमारी इनकम है, पर ये रिकरिंग नेचर की नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट अलग से कैपिटल में ऐड कर देंगे, बाकी की इनकम्स के साथ इसको नहीं मिलाएंगे, क्योंकि रूटीन की आइटम नहीं है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम जरूर है, रिकरिंग नेचर की नहीं है, बार बार मिलने वाली आइटम नहीं है, हर साल मिलने वाली आइटम नहीं है, हर साल में एक बार भी मिले तो रिकरिंग नेचर, पर हर साल नहीं मिलती, रिकरिंग नेचर की नहीं है। तो डायरेक्ट इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, अमाउंट है 20,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल आने वाला है, कैपिटल फंड बोलते हैं उसको, यहाँ पर उस दिन समझाया था। तो इसमें ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस के 20,000 रुपीज, ये ऐड कर दिया,
जो डायरेक्ट कैपिटल में ऐड करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। तो हमने कैपिटलाइज कर दिया लाइफ मेंबरशिप फीस को। आगे चलते हैं, तो याद रखना लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में मैंने क्या समझाया। याद नहीं रहे तो पीछे से वापस पीछे जाना और वापस से देखना वीडियो को। फिर मिला है डोनेशन के 1,20,000 रुपीज़, हमें डोनेशन मिला है तो ये भी हमारी इनकम हुई, तो इसको भी इनकम में, ये रूटीन्स की एक इनकम होती है। तो ये डोनेशन के 1,20,000 रुपीज़ हम इनकम में लिख रहे हैं, ये हमने लिख दिया। उसके बाद एक और डोनेशन मिला है हमको, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000। अब एक इसके बारे में दो बातें समझाने वाला हूं। पहली बात, जब भी किसी पर्टिकुलर हेड में इनकम हो, किसी भी टाइप की इनकम हो और उसी हेड में कोई एक्सपेंसेस भी हो तो नेट करके लिखना चाहिए। ये पहली बात, एक ही हेड में इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी हो तो नेट करके लिखना चाहिए। क्या मतलब? देखिए, टूर्नामेंट के नाम पर हमको इनकम हुई है 50,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000। टूर्नामेंट में एक्सपेंसेस भी हुए, देखो पेमेंट साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000। तो टूर्नामेंट के नाम पर डोनेशन हमको मिला है, टूर्नामेंट के नाम पे एक्सपेंसेस भी हुए, 50,000 की इनकम है, 10,000 का एक्सपेंसेस है। तो एक ही हेड में इनकम भी है एक्सपेंसेस भी है तो नेट करके लिखेंगे, ये पहली बात। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कि 50,000 की इनकम ये लिख दिया हमने, लेस एक्सपेंसेस तो 10,000 रुपये एक्सपेंसेस हुए, ये माइनस करके बाकी 40,000 बाहर लिख देंगे, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बारे में दूसरी बात, यहाँ पर पहली बात तो नहीं, अभी दूसरी बात के पहले इसमें एक्सपेंसेस के बारे में बताऊँ कि एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए हैं तो अब ये एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड में यानी डेबिट में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट में माइनस कर दिया ना, तो अब ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डेबिट में नहीं लिखेंगे, एक्सपेंसेस में नहीं लिखेंगे। ठीक, अब दूसरी बात बता रहा हूं, कई बार कई क्लब्स क्या करते हैं कि फंड्स बनाते हैं। अगर यहां पे टूर्नामेंट का फंड बना हुआ होता कैसे पता चलता? लिखा होता डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, आगे फंड वर्ड भी होता जो यहां नहीं है। अगर यहां पे टूर्नामेंट का फंड बना हुआ होता तो लिखा होता डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। अगर टूर्नामेंट का फंड बना हुआ होता तो चूंकि उसका हमने अलग से फंड बना दिया है तो उसकी अकाउंटिंग अलग से होगी, इसको जनरल इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे। यानी फिर ये टूर्नामेंट की जो आइटम हमने अभी लिखी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये यहां नहीं आती क्योंकि उसका अलग से फंड है, उसके अलग से अकाउंटिंग होती। ठीक, तो मैंने क्या समझाया एक बार फिर से सुनो, जिस चीज का फंड बना होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता है, वो फिर बैलेंस शीट में लिखा जाता है। ये मैं पहले के लेक्चर में समझा चुका हूं। ठीक है, तो इस ढंग से टूर्नामेंट जो है इसका अभी अभी फंड नहीं है, इसलिए अभी तो इसको इनकम में ही लिखना है, फंड होता तो नहीं लिखते। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में 40,000 से हमारा आंसर अलग चलेगा, क्योंकि जिस ऑथर से हमने बुक से लिया है शायद उसने 40,000 फंड गलती से मान लिया है और उसको उसने जाके फंड में फंड के हिसाब से इसको बैलेंस में जाके लिख दिया, यहां नहीं लिखा जबकि फंड बोला नहीं है, तो यहीं आएगा ये, तो हमारा बुक से आंसर वेरी करेगा 40,000। खैर, तो चलते अगला, सब्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नर्स पार्टी। हमें कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज होनी है, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मिला है 15,000 रुपीज, ये इनकम हुई। पर क्वेश्चन है कि ये इनकम इस साल की है कि नहीं है, अगर इस साल की है तो लिख दो इनकम में, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस साल की इनकम नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये बात क्यों पूछी मैंने, यहाँ पे ये बात कहाँ से आ गई? ये इसलिए आई कि देखो गवर्नमेंट पार्टी एक इवेंट, गवर्नर्स पार्टी एक इवेंट, उसके लिए हमको अमाउंट मिला है। अब गवर्नर्स पार्टी अगर इस साल इवेंट हुई होगी तो एक्सपेंसेस भी हुए होंगे फिर, तो देखो गवर्नर्स पार्टी पर कोई एक्सपेंसेस है क्या? जैसे टूर्नामेंट हुआ था तो उसके एक्सपेंसेस भी दिए हुए थे, गवर्नर्स पार्टी के लिए अगर इनकम हुई है गवर्नर्स पार्टी के एक्सपेंसेस भी है क्या पेमेंट में? देखो तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये पार्टी अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, ये इवेंट अभी नहीं हुई है, ये इवेंट आने वाले ईयर में होगी, ये सब्स्टिट्यूशन उसके लिए मिला है। अगर ये आने वाले ईयर में इवेंट होने वाली है तो ये इनकम भी आने वाले ईयर की है, इस साल की नहीं है, यानी ये हमको इस साल एडवांस मिल गई है आने वाले ईयर में जो इवेंट होनी है उसके लिए, तो ये एडवांस सब्स्टिट्यूशन मिला है
आने वाले ईयर के लिए हमारे लिए लायबिलिटी हुई। जैसे हमको सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला था, पीछे एक आया था 5,000 रुपीज़, वैसे ये सब्सक्रिप्शन भी एडवांस मिला है 15,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लिख देंगे जो कि नेक्स्ट ईयर कैरी हो जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी अमाउंट 15,000 रुपीज़। ये हमने 15,000 रुपीज़ लिख दिया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए था, इसलिए हम इनकम में न लिखते हुए लायबिलिटी में ले गए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स्ड डिपॉजिट। हमें हमने कुछ पैसे डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट करी होगी बैंक में, तो बैंक में जो हमने डिपॉजिट किए थे अमाउंट, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला है, मतलब ये हमारी इनकम हुई। कितना इंटरेस्ट मिला है? 2,400 रुपीज़। तो इनकम साइड में दिखा देंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,400 रुपीज़ मिले हम। तो 2,400 हमको इंटरेस्ट मिला है, ये हमारी इनकम हो गई, इनकम में लिख दिया। पर क्वेश्चन एक और है कि इंटरेस्ट मिलना कितना था। तो ये देखने के लिए कि इंटरेस्ट मिलना कितना था, ये देखने के लिए देखो पेमेंट साइड में एक फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है 1,20,000। मतलब हमने 1,20,000 रुपीज़ एक डिपॉजिट करा था बैंक में, उस अमाउंट पर हमको इंटरेस्ट मिला है 1,20,000 पर इंटरेस्ट मिला है। रेट क्या है? 8%। कब इन्वेस्ट किए थे? अक्टूबर में। अकाउंट कब बना रहे? मार्च में। तो अक्टूबर से मार्च तक का इंटरेस्ट मिलना है, अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने महीने हुए? 6 मंथ हुए। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलना है हमको। कितना होता है कैलकुलेट करके देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 6 मंथ। तो देखो ऐसे ही निकालेंगे इंटरेस्ट, जरा देखो। तो कितना इंटरेस्ट बनता है? 4,800 रुपीज़। तो 4,800 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है? 2,400। तो कितना नहीं मिला, कितना मिलना बाकी है? देखिए 4,800 माइनस 2,400, कोइंसिडेंटली जो बच गया वो भी 2,400 बच रहा है। तो 4,800 में से 2,400 मिल गया, 2,400 और मिलना है। तो जैसे पिछले और सब्सक्रिप्शन के 90,000 मिल गए थे, 10 और मिलना है, तो हमने ऐड कर लिया था। तो इंटरेस्ट के 2,400 मिल गए, 2,400 और मिलना है, तो ये ऐड कर देंगे हम, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। टोटल इनकम हो गई इंटरेस्ट की 4,800। जो मिलना बाकी है, इसका सेकंड एस्पेक्ट, मिलना बाकी है तो ये हमारा बैलेंस है, मिलना है ये हमारी असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में भी आएगा। तो ईयर इस साल के एंड में इतना आउटस्टैंडिंग रह गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। पहले तो फिक्स डिपॉजिट जो हमने किया था वो हमारी असेट है, तो फिक्स डिपॉजिट के 1,20,000 रुपीज़ असेट में लिख दिया हमने, ठीक है। इस पर जो हमको इंटरेस्ट मिलना है वो भी हमारी असेट है जो मिलना बाकी है। तो इंटरेस्ट के कितने मिलना बाकी है? 2,400। टोटल फिक्स डिपॉजिट के 122,400 मिलना है हमको, ये पूरा असेट हो गया हमारा। तो फिक्स डिपॉजिट असेट होती है सबको मालूम है, उस पर जो इंटरेस्ट बाकी रह गया वो भी मिलना है, वो भी हमारी असेट है, वो भी आ जाएगा। तो इंटरेस्ट जो मिलना बाकी था, इनकम भी थी, असेट भी थी, दोनों जगह लिख दिया हमने। आगे तो रिसिप्ट साइड के अगली एंट्री क्या है पढ़ के देखते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि हमने जो घर की रद्दी थी वो बेच दी, इनकम है हमारी। भाई ओल्ड न्यूज़पेपर की बुक वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं, रद्दी है वो तो हमने बाहर कचरे में रखी थी, वो बेच दी। तो जो हमारे पर रद्दी पड़ी होती उसकी कोई बुक वैल्यू तो नहीं थी, हमारे बुक्स में उसकी कोई वैल्यू तो नहीं थी कुछ भी, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू तो जीरो थी। वो हमने बेच दिया, 300 रुपये मिल गए, ये सारी हमारी इनकम हो गई। क्या हो गई? इनकम हो गई। तो न्यूज़पेपर जब हम ओल्ड न्यूज़पेपर बेचते ही हमारी इनकम होती है, तो इनकम में लिख देंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपीज़। ये हमारी इनकम है, इसको हम इनकम में दिखा देते हैं, इनकम में दिखा देते हैं इनकम में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिखा दी हमने। अब अगली आइटम क्या है? सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, एक असेट हम बेच रहे हैं। जब भी एक असेट बेच रहे हो तो वहां पे तीन केस होते हैं, ये ध्यान दे लेना।
कई बार उसकी बुक वैल्यू दी होगी, जो असर बेची है उसकी बुक वैल्यू दी होगी, और अगर बुक वैल्यू नहीं दी है तो वहां पे फिर हमको ये देखना है कि जो असर बेची है उसके आगे ओल्ड वर्ड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो दो केस हो गए, बुक वैल्यू दिए एक, बुक वैल्यू ना दियो तो दो केस, और तीन केस हो गए। तो इन तीनों केस को समझेंगे। पहले तो एक केस दिया है जिस बुक वैल्यू जिसमें दी हो, ये केस के क्वेश्चन में दिया, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया है 500 में, बुक वैल्यू दी है 1200, यानी 1200 का स्पोर्ट्स मटेरियल 500 में सेल कर दिया। जरा सोचो, कम में सेल किया कि ज़्यादा में सेल किया? 1200 क्या सेट 500 में सेल हुई, 700 लेस में सेल हुई है, यानी ये हमारा लॉस हुआ। ठीक, तो इसको पहले लिख लेते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड में। तो एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखेंगे, टू लॉस ना, तो डेबिट में आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 700 का लॉस हुआ, 700 का, 700 का लॉस हुआ, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब अगर इसमें बुक वैल्यू नहीं दी होती तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये कैसे निकालते हम? दो केस लेंगे, अगर ओल्ड वर्ड दिया है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड वर्ड दिया है तो केस अलग हो गया, ओल्ड वर्ड नहीं होता सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सिर्फ ऐसे दिया होता तो क्या करते? तो दो केस, अगर ओल्ड वर्ड दिया है तो हम ये मानेंगे कि बुक वैल्यू है ही नहीं उसकी, कुछ भी नहीं उसके बुक वैल्यू, यानी जितने में बेचा ये पूरा ही प्रॉफिट हो गया, ये इनकम में आ जाता। और अगर सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूं लिखा होता, मतलब ओल्ड वर्ड नहीं होता, तो हम ये मानते कि जितने में सेल किया है बुक वैल्यू भी इतनी ही है, 500 रुपये में सेल किया है 500 रुपये बुक वैल्यू थी, 500 की चीज 500 में बेच दी, न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता ही नहीं। ठीक, तो बुक वैल्यू दी हो तो क्या करना है, बुक वैल्यू ना दिया हो तो उसमें दो केस हो गए, क्या करना है वो समझा दिया। फिलहाल तो बुक वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंग हमको लॉस हुआ है, वो हमने लॉस लिख दिया। अच्छा, फिर हमने स्पोर्ट्स मटेरियल जो 1200 का था वो बेचा है, दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूँ अब इसका, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। 1200 का जो स्पोर्ट्स मटेरियल ने बेचा है तो 1200 का था तभी तो बेचा, तभी तो बुक वैल्यू दी हुई है, तो था तो आया कहाँ से? तो ये लास्ट ईयर का स्टॉक था जो बचा हुआ था, जो इस साल कैरी हुआ और इस साल आके वो बिक गया, तो लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक इस साल बेचा। जरा सोचो, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे हम बैलेंस शीट में, एसेट में, तो ये लास्ट ईयर का है ना, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको लिख देंगे। क्या, किस नाम से लिखेंगे? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 1200 का मटेरियल था लास्ट ईयर जो बच गया था, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में स्टॉक का मटेरियल लिख दिया 1200। आगे उसके बाद दिया हुआ है लॉकर रेंट, हमें लॉकर रेंट कितना मिला है, 6800 रुपीज़। ये लास्ट क्वेश्चन में आ चुके थे, पहले समझा चुका हूँ डिटेल में। तो भाई क्लब में कोई लॉकर होगा तो जो लॉकर्स होते हैं वो क्लब के मेंबर्स यूज़ करते हैं, बदले में उनसे हमको किराया मिलता है, ये हमारी इनकम होती है, सो हमने इसको इनकम में दिखा दिया। अंदर इसलिए लिखा है कि इसमें एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, इंक्लूडिंग ₹600 फॉर 17-18, पिछले साल के 600 इसमें इंक्लूड है, तो ये इस साल की इनकम थोड़ी हुई, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। तो लास्ट ईयर के इस साल मिले हैं, मतलब लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग थे, लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग थे, तो लास्ट ईयर के 600 माइनस करके बाकी 6200 इस साल की इनकम हुई, ये हमने लिख दी। ठीक, अभी जो लास्ट ईयर के इस साल हमको मिले तो ये लास्ट ईयर बाकी थे, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएंगे, फिर ये मिलना बाकी थे मतलब ये असेट हुई, इससे असेट में आ जाएगा, असेट में आ गया 600 रुपीज़। जैसे हमको एंट्रेंस फीस के मिलने बाकी थे, जैसे सब ट्यूशन के मिलने बाकी थे, जैसे वैसे लॉकर रेंट के पैसे मिलने बाकी है, अब मिलने बाकी इसलिए असेट, देना बाकी होता तो लायबिलिटी बन जाती। सो, आगे सारी रिसिप्ट हो गई, अब हम पेमेंट में चलते हैं। तो पेमेंट में पहला रेंट दिया हुआ है, कितना रेंट दिया हुआ है, 60,000 रुपीज़। तो 60,000 जो रेंट दिया हुआ है, पेमेंट किया है ना हमने, पेमेंट किया तो ये एक्सपेंडिचर हुआ, तो एक्सपेंडिचर में टू रेंट 60,000 रुपीज़ ये लिख दिया हमने। अब इसके बारे में अंदर इसलिए कि कुछ दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग ₹1500 फॉर 17-18, 17-18 मतलब पिछला साल, इस 60,000 में से 15,000 पिछले साल के है, तो इस साल का ये एक्सपेंसेस नहीं हुआ इसलिए माइनस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर,
तो 15,000 लास्ट ईयर के थे इसमें इंक्लूड, वो माइनस कर दिए, बाकी 45,000 इसी साल का लिख दिया। 60,000 रेंट पे किया था, एक्सपेंडिचर लिख दिया, उसमें 15 पिछले थे वो हमने माइनस कर दिए, बाकी 45 अभी के हैं वो लिख दिए। अब जो पिछले साल का बाकी है तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में कैरियर होके आया है वहीं लिखना है इसको। तो ये रेंट लास्ट ईयर बाकी था, देना बाकी था, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब जो लास्ट ईयर से कैरी हो गया, ये जिसमें लास्ट ईयर की एसेट और लायबिलिटी लिखी जा रही है। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी जो इस साल के एंड में बन रही है, करंट ईयर के लिए जो बन रही है, ठीक। तो रेंट के बाद दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, सभी लोग फेमिलियर होंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया करते थे, सोचो इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ आता था, एक्सपेंडिचर में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर होता है, तो ये एक्सपेंडिचर में टू इंश्योरेंस 60,000, कोइंसिडेंटली ये भी 60,000 है अंदर, इसलिए कि इसके बारे में भी कुछ दिया हुआ है। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 1920, 1920 मतलब नेक्स्ट ईयर, तो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए 15,000 अभी से पे कर दिए, मतलब 15,000 प्रीपेड है। प्रीपेड है याद करो क्या करेंगे, लेस प्रीपेड माइनस में 15,000 रुपीज, माइनस करके 45,000 बाहर लिख दिया हमने, ठीक। तो ये 15,000 रुपीज प्रीपेड माइनस करके हमने लिख दिया। अब ये प्रीपेड माइनस तो कर दिए, 60,000 पेमेंट हुआ था, 15,000 अगले साल का है, इस साल का खर्चा नहीं है, सो माइनस कर दिया, माइनस तो कर दिया। इसका सेकंड एस्पेक्ट भी है, ये अगले साल के लिए, ये नेक्स्ट ईयर कैरी होगा, नेक्स्ट ईयर कैरी होगा मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब याद करो जो एडवांस में पे करते हैं, जो प्रीपेड होते हैं, वो कहाँ आते हैं, असेट में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस असेट में 15,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद अगला है, अगली आइटम पढ़ें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में भी डिटेल में समझाया था कि एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल, दोनों के बारे में समझ लेना। तो एक बार आज थोड़ा शॉर्ट में रिपीट भी कर देता हूँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो स्पोर्ट्स की आइटम है जो कई साल तक चलेगी, यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट होती है। स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स की उन आइटम को बोलते हैं जो लेस देन वन ईयर्स के लिए चलती है, वन ईयर से कम टाइम में यूटिलाइज होती है, बेनिफिट मिलता है उनका, यानी एक्सपेंडिचर होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस होता है। एग्जाम्पल जैसे ना बैडमिंटन की जो शटल होती है, एक दो महीने चलेगी, बल्कि एक दो दिन ही चलती है, तो जो बैडमिंटन की शटल होती है वो बहुत कम टाइम चलती है, एक साल भी नहीं चलती, एक साल से बहुत कम टाइम के लिए चलती है। तो वो शटल का जो अमाउंट है वो स्पोर्ट्स मटेरियल है, वो एक्सपेंसेस में आएगा, है ना। ऐसे ही जो बैडमिंटन की नेट होती है वो तो कई साल तक चलती है, उसका बेनिफिट तो कई साल तक मिलेगा, तो वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गई, वो असेट होती है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी ये कई साल तक हमको इसका बेनिफिट मिलेगा, ये हमारी असेट है। अमाउंट कितना है, 50,000 इस साल खरीदिए, क्योंकि रिसीव पेमेंट में दिया है, मतलब इस साल खरीदिए, रिसीव पेमेंट में सारी इस साल की आइटम दी हुई है, तो इस साल परचेज किए, लास्ट ईयर से कैरी होके नहीं आई है, तो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो इस साल की असेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी, इस साल की बैलेंस शीट में आ जाएगी, ठीक। उसके बाद अगली आइटम फर्नीचर दिया हुआ है, तो फर्नीचर से तो आप वैसे ही फेमिलियर हो, फर्नीचर एक असेट होती है, 60,000 रुपीज दिया हुआ है। तो एक्सपेंडिचर साइड में फर्नीचर 60,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगली आइटम उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ, हम ऑलरेडी लिख चुके। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुए, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। उसके बाद में बुक्स दिया हुआ है 20,000 रुपीज, तो ये बुक्स जो हम परचेस करते वो वाली नहीं, तो फिर ये कौन सी बुक्स है, जरा सोचो। जो आप बुक खरीदते हो सेशन के एंड में, वो खत्म हो जाती है, उसको फेंक देते हो, फिर अगले साल नहीं खरीदते हो, यानी जो बुक्स आप खरीदते हो वो विद इन वन ईयर उसका बेनिफिट आप लेते हो, फिर खत्म। एक साल से कम टाइम के लिए आपको उसका बेनिफिट मिलता है, 10 से 1 महीने का सेशन होता है, उतने टाइम के लिए आपको उसका बेनिफिट मिलता है, आपके लिए एक्सपेंसिव। लेकिन जो लाइब्रेरी में बुक्स परचेस की जाती है, यही बुक्स लाइब्रेरी में परचेस होती है ना,
तो लाइब्रेरी में क्या करते, सेशन एंड हुआ सब उठा के फेंक देते हैं क्या? नहीं, वहाँ पे वो बुक्स कई साल तक लाइब्रेरी में रहती है, कई साल तक लाइब्रेरी में बच्चे आकर उसको यूज़ करते हैं। तो जो लाइब्रेरी में बुक्स परचेज की जा रही है वो कई साल तक उसका बेनिफिट लिया जाएगा, उनके लिए असेट है। तो ऐसे ही इस क्लब में जो बुक्स खरीदी गई है, तो क्लब जो है वो हमारे जैसा स्टूडेंट्स नहीं है जो एक साल के बाद में पास हो गया आगे निकल गया फिर फेंक देंगे फिर नई बुक्स खरीदेंगे, नहीं, क्लब अपने जो बुक्स खरीदता है वो अपने लाइब्रेरी में रखता है, कई साल तक यूज़ होती है, ऐसा मान के चलना है हमको यहाँ पर। तो क्लब के लिए बुक्स जो है वो असेट होती है, कई साल तक यूज़ होगी। तो बुक्स 20,000 ये असेट है, इस साल परचेज हुई है, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट में आएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट में बुक्स 20,000 रुपीज़ ये लिख दी हमने, ये हमने लिख दी। उसके बाद में न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर हमने हर साल जो हर महीने जो न्यूज़पेपर का पेमेंट करते वो, तो न्यूज़पेपर पे पूरे साल भर में 1,000 रुपीज़ पेमेंट हुआ है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल आइटम है, फैमिलियर हो, तो इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। तो न्यूज़पेपर एक एक्सपेंडिचर है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में आ सकता है कि सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था एक ही हेड में इनकम भी हो उसी हेड में एक्सपेंसेस भी हो तो नेट करके लिखना चाहिए, जैसे टूर्नामेंट में इनकम हुई थी 50,000, टूर्नामेंट का एक्सपेंस 10,000 तो नेट 40,000 लिखा, ऐसे नहीं कि 50 इनकम लिख दिया 10 एक्सपेंस लिख दिया, ऐसा नहीं किया था। तो न्यूज़पेपर में ऐसा क्यों नहीं किया, न्यूज़पेपर का एक्सपेंसेस 1,000, न्यूज़पेपर जो सेल किए थे उसके 300 इनकम हुई तो बाकी के 700 रुपये नेट एक्सपेंसेस में लिख देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जरा प्रैक्टिकल होके सोचो कि न्यूज़पेपर पे जो हम हर महीने न्यूज़पेपर वाले को देते हैं, जो बहुत सारी रद्दी जब इकट्ठी हो जाती है जब हम उसको बेचते हैं, इनको आपस में कंपेयर करते हैं क्या कि न्यूज़पेपर के नाम पे इतना खर्चा हुआ, न्यूज़पेपर के रद्दी के नाम पे इतना मिला, हमारा इतना खर्चा हुआ, प्रैक्टिकली होकर सोचो। नहीं, आप यही बोलोगे नहीं सर न्यूज़पेपर में हम ऐसा नहीं करते, बाकी चीज़ों में भले करने बाकी चीज़ों में, देख दुकानदार देखता है कि इस पर्टिकुलर आइटम पे इतना खर्चा हुआ था, इतना रिसिप्ट हुआ, नेट कितना मिला हमको, न्यूज़पेपर में ऐसा होता है नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर पे जो हम पेमेंट करते हैं तो ये नहीं देखते कि रद्दी के नाम पे कितने हमको मिलेंगे, कितना कम या ज़्यादा मिलेगा, ये देखते ही नहीं है। तो जो रद्दी बेचते हैं उसको हम एक मिसलेनियस रिसिप्ट मान के चलते हैं, उसको न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस के साथ जोड़ के नहीं देखते, इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, इसलिए इनको नेट करके नहीं लिखा जाता है, ठीक। अब आगे, तो न्यूज़पेपर के बाद दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000, ये भी एक एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे जो खर्च होता है ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर है हमारा, ये 19,000 रुपीस एक्सपेंडिचर में लिख दिया हमने, ठीक। फिर लास्ट आइटम बच गया बैलेंस सीडी, तो ये काय का बैलेंस है, कैश एंड बैंक का बैलेंस है, काय का बैलेंस है, कैश एंड बैंक का बैलेंस है, ईयर एंड में बच गया है जो, तो ईयर एंड में बच गया है तो ये ईयर एंड की असेट हुई, तो ये हम पहले ही लिख चुके थे, मैंने पहले ये पॉइंट समझा दिया था। तो कैश एंड बैंक वैसे आइटम बाय आइटम लिखना चाहिए पर वो कनेक्टेड पॉइंट था इसलिए वहाँ पे समझाया था, तो ये हम पहले ही कैश एंड बैंक लिख चुके, ईयर एंड की असेट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आनी चाहिए, क्लोजिंग में लिख दिया हमने। अब सारी असेट सारी लायबिलिटी हो गई, अब क्लोजिंग, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना पहले ही सीख ही चुके हम, तो पहले उसी को क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए इनकम साइड का टोटल है 3,21,300 रुपीस, एक्सपेंसिस यानी डेबिट साइड का टोटल कितना है 1,10,700 रुपीस। तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर लिए यानी हमारे पास सरप्लस बच गया 2,10,600 रुपये का सरप्लस रह गया, तो ये सरप्लस है जो हम वहाँ P&L अकाउंट में जिसको नाम देते थे नेट प्रॉफिट, उसी को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं सरप्लस, ठीक। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, नया पॉइंट है इसमें थोड़ा ध्यान से समझ लो, एक बिजनेस मैन है उसके पास 50,000 रुपीस के असेट है, तो लायबिलिटी भी 50,000 की ही होगी क्योंकि असेट और लायबिलिटी का टोटल हमेशा बराबर होता है, ये हमको मालूम है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट। अगर 50,000 की असेट हो 15,000 की लायबिलिटी हो तो कैपिटल कितनी,
रिपीट क्वेश्चन, 50,000 की असेट हो, 15,000 की लायबिलिटी हो, तो कैपिटल कितनी? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट होता है 35,000। ठीक ऐसे ही यहां पे देखें ओपनिंग बैलेंस शीट लास्ट ईयर से जो कैरी होके आई है बैलेंस शीट, उसको देखो जरा। असेट से 2,21,800 की, लायबिलिटी है 15,000 की, और मिसिंग है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना? लायबिलिटी लायबिलिटी प्लस कैपिटल फंड मिला के असेट्स होती है, इक्वल टू असेट होती है। तो लायबिलिटी लायबिलिटी कितनी ये दी हुई है 15,000, असेट कितनी वो भी दी हुई है, तो बाकी का बचा वो कैपिटल फंड हो गया 2,21,800 माइनस 15,000, तो यानी 2,06,800 हमारा कैपिटल फंड हो गया। कैसे निकाला हमने? बैलेंसिंग फिगर, दोनों साइड का डिफरेंस था उससे निकाला हमने, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से निकाला ना, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2,06,800। तो ये कैपिटल फंड जो हमारा ईयर एंड में मिसिंग था, ये लास्ट ईयर से जो कैरी हो क्या है वही लिखा जाता है यहाँ पर। तो लास्ट ईयर से जो कैरी हो क्या है कैपिटल फंड, वो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। इसमें एक तो लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्ट ऐड करी थी, प्लस याद करो 11th के कंसेप्ट नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता था, वो यहाँ भी होना है। पर यहाँ पर उसका नाम क्या दिया हुआ है? सरप्लस। कितना आया था सरप्लस? हमने कितना कैलकुलेट किया था सरप्लस? 2,06,800। तो 2,10,600, थोड़ा गलत बोल गया था, 2,10,600, ठीक। तो इसको हम ये लिख देते हैं, ये आ गया। तो देखो दोनों साइड मैच हो गई, इसलिए हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। अब यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे ना, तो क्वेश्चन देखें उसमें एकदम लास्ट में आंसर दिया हुआ है 1,70,600। सरप्लस कितना है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर से कितनी ज्यादा है? 1,70,600। लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना था? 2,10,600, 40,000 रुपीज ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमने टूर्नामेंट के अमाउंट को यहां लिखा है। यूज 99% क्वेश्चन में टूर्नामेंट का फंड दिया रहता है, हम आप देखें करीब करीब सब क्वेश्चन में ऐसे होता है, तो वहाँ पे फिर फंड होता है, इसलिए ये टूर्नामेंट के आइटम यहाँ पे नहीं आती है, ये बैलेंस शीट में आती है, ऐसी कैसी लायबिलिटी में लिखी जाती है। पर यहाँ तो टूर्नामेंट बोला, टूर्नामेंट फंड नहीं बोला, और जिस चीज़ का फंड नहीं बना हुआ तो यहीं आता है, तो हमने यहीं लिखा है, तो हम सही है ये बताने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, रेगुलर लेक्चर्स देखते रहेंगे, तो समय में जल्दी आएगा। अब इस बेसिस पे खूब सारे क्वेश्चन करके देखें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आने वाले क्वेश्चन उतने ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। तो टीएस ग्रेवाल में से, एससी शर्मा की बुक में से, डीके गोयल की बुक में से ढेरों क्वेश्चन करके आप देखिए, जितने ज़्यादा करें उतनी आपको प्रैक्टिस होगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।